जी हर मील के पत्थर पर लिख दो तो यह इबादत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ क्वालिटी क्रायो प्रिजर्वेशन। इफेक्ट ऑफ क्वालिटी क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं, उनमें कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन एवं डीएनए में चेंजेस होने की संभावना रहती है। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा बनने वाले ऑफस्प्रिंग में डीएनए म्यूटेशन होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन ह्यूमन स्पर्मेटाजोआ के लिए 1960 में किया गया था। ह्यूमन स्पर्मेटाजोआ के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का उपयोग 1960 में किया गया था। प्रिजर्वेशन के द्वारा वैसेक्टोमी, सर्जिकल इनफर्टिलिटी, अदर डिजीज आदि के द्वारा मेल फर्टिलिटी को मैनेज किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन स्पर्म के स्ट्रक्चर एवं फंक्शन के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन फिर भी एआरटी टेक्निक में स्पर्म का क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा सेल को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है, जिससे कि सेल स्टेबल हो जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत लो टेम्परेचर पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक का यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की टेक्निक को यूज में लिया जाता है, जिसमें मेल व फीमेल गैमेट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एवं एम्ब्रियो तक को प्रिजर्व किया जा सकता है और प्रिजर्व किया भी जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए दो प्रकार की टेक्निक यूज में ली जाती है। पहला हो गया स्लो फ्रीजिंग, दूसरा हो गया रैपिड फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग और रैपिड फ्रीजिंग इन दोनों के मीन, इन दोनों के नाम से ही आप समझ सकते हैं इनके अंदर क्या क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्लो फ्रीजिंग की, कि स्लो फ्रीजिंग क्या होता है। यह तकनीक बर्मन व स्वेडा ने प्रपोज की। इस फ्रीजिंग तकनीक में स्पर्म को दो से चार घंटे के क्लोनिंग पीरियड में 2 से 3 स्टेप में रखते हैं, जिसके लिए मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली फ्रीजिंग यूज में ली जाती है। एक तो होती है मैन्युअली, जिसको हम हाथ से करते हैं वो मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप की जाती है, वो मैन्युअली। ऑटोमेटिक फ्रीजिंग क्या होता है, जिसमें ऑटोमेटिक सारा काम होता है, ऑटोमेटिक ही फ्रीजिंग होती है। मैन्युअली फ्रीजिंग में टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है जब क्रायोप्रोटेक्टेंट मिलाया जाता है। इसके बाद स्टेप के अनुसार सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। इसके द्वारा स्पर्म की रिप्रोडक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए ऑटोमेटिकली फ्रीजिंग यूज में ली जाती है। मैन्युअली फ्रीजिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसके कारण ऑटोमेटिक फ्रीजिंग काम में ली जाती है। इस फ्रीजर में एक प्लेट लगी हुई होती है, जिसमें स्ट्रो लगी हुई होती है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा ठंडी रहती है। लिक्विड नाइट्रोजन प्रिग रिमूवल सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन में आता है, जो कि स्पर्म को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1.5 सेंटीग्रेड पर मिनट की दर से ठंडा करता है। इस दर से यह ठंडा होता है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की दर से, जब तक कि यह प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद स्ट्रो को रिमूव कर दिया जाता है एवं स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। या रैपिड फ्रीजिंग यह टेक्निक किसने दी, शर्मन ने दी। इस मेथड के अंदर स्ट्रो एवं नाइट्रोजन वाष्प को डायरेक्ट 8 से 10 मिनट के लिए मिलाया जाता है। इसके बाद इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाता है। इसमें सैंपल को बूंद बूंद करके क्रायोप्रोटेक्टेंट के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को स्ट्रो में डाल दिया जाता है एवं 10 मिनट के लिए उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनक्यूबेट किया जाता है। इसके बाद स्ट्रो को लिक्विड नाइट्रोजन के स्तर से इसके बाद स्ट्रो को लिक्विड नाइट्रोजन के स्तर से 15 से 20 सेमी दूरी पर रखा जाता है, अर्थात लिक्विड नाइट्रोजन का जो स्तर है, जो लेवल है, उसे 15 से 20 सेमी ऊपर की ओर रखा जाता है। इसके बाद इसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाता है तथा स्ट्रो को हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रखा जाता है। तो ये हो गई दो टेक्निक, एक तो हो गई रैपिड फ्रीजिंग और एक हो गई स्लो फ्रीजिंग। दोनों के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से जान लिया होगा।
जिंदगी की खरोचों से ना घबराएं जनाब, तरास रही है जिंदगी निखारने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के पार्ट के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहां से आप जाकर नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो धन्यवाद।